सो गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T2X डिवाइस के अंदर आप जो है अपने जो फोन के अंदर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कैसे करेंगे। अगर आपको भी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना है तो वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको बताऊंगा गूगल डायलर एंड वीवो दोनों डायलर के अंदर ऑटोमेटिक कॉल को रिकॉर्ड कैसे करना है। वेल गाइस, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डायलर को ओपन करना होगा। सबसे फर्स्ट नंबर में हम आपको गूगल डायलर के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना सिखाते हैं, देन आपको मैं वीवो के ऑल डायलर के अंदर भी आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना सिखा देता हूं। यहां पर आप क्लिक करिए डायलर को, डायलर हमारा ओपन हो चुका है, थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है, सेटिंग्स पर चले जाना है। इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा, कॉल रिकॉर्डिंग का एक आपको ऑप्शन मिलेगा जो कॉलिंग अकाउंट के नीचे मिल जाता है, उसको आप प्रेस करेंगे। देन इसमें एक ऑप्शन है नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट का, नंबर्स नॉट इन योर कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन पे ऑन करेंगे। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस इनकी होती है, आप इनकी पॉलिसीज वगैरह को रीड कर सकते हो क्योंकि इसमें अनाउंसमेंट सुनाई देती है जब किसी की कॉल को रिकॉर्ड करते हो, तो इस चीज को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से मेंशन मिल जाएगा। इसको आप ऑलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। वेल गाइस, यहाँ पर अब आपको बताते हैं इसको हम पहले रिप्लेस करेंगे वीवो डॉलर में, क्योंकि अब हमें इसमें वीवो डॉलर पे जो ओल्ड डॉलर हमारा उस पर हम बताएंगे कैसे आपको कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। इसके लिए हमने डॉलर को रिप्लेस कर दिया है। अब आएंगे यहाँ वीवो डॉलर हमारे पास, देख सकते हो हमारा जो गूगल डॉलर है वो बंद हो चुका है, वीवो डॉलर आ चुका है। इसको हम प्रेस करेंगे, देन हमारे पास इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉल सेटिंग पर जाना है एंड यहाँ पर एक सेटिंग्स मिलेगी कॉल रिकॉर्डिंग, एक बार इसको प्रेस करेंगे। हालांकि मैंने इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी हुई है, बिकॉज अगर आपका पहला ऑप्शन सिलेक्टेड है तो आप इस सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी और किसी की भी कॉल होगी वो खुद ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। वेल गाइस, इसके अंदर एक फीचर है, अगर आपको किसी एक पर्सन की कॉल को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कस्टम कॉल ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे, कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस साइन क्लिक करेंगे तो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगा। उस पर्सन को सिलेक्ट करना है जिसकी आपको कॉल रिकॉर्ड करनी है, तो जब भी उससे बात करेंगे तो ऑटोमेटिक उस पर्सन की ही कॉल को रिकॉर्ड करेगा। यही सेम चीजें गूगल डायलर के अंदर भी मिलती है, आप उसमें भी जाके इस चीज को आसानी से कर सकते हैं। वेल गाइस, इस तरह से अपने फोन के अंदर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं एंड और कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।